मैंने ये बात पहले नहीं कही। जैसे कि कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम क्षणम व्रज, ऐसी ही मेरी भी बात है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा था कि आई एम द लाइट आई एम द पाथ, वही मेरी बात है, आई एम द डेस्टिनेशन नॉट ओनली द पाथ। लेकिन मैंने आज तक ये बात आप लोगों से कही नहीं थी, इसलिए क्योंकि पिछले अनुभव इतने खराब रहे, इसी वजह से मैंने बात नहीं की। आप लोगों को मेरी शरणागत लेनी पड़ेगी, मुझे माँ मान्य करना पड़ेगा और मुझे बेटा बनकर के जीना, उसके बगैर आपका कार्य नहीं हो सकता। इसी एक छोटी सी वजह के कारण आप लोग इस दशा में पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग हार गए लेकिन वो नहीं पा सके। एक तो मेरा साक्षात उनसे नहीं हुआ और दूसरी चीज कि अभी उनमें वो अहंकार बना है, इसकी कार्य ही नहीं, क्योंकि वो अनजान में पार हो गए, उनको पता ही नहीं हुआ कि उनकी माँ को। लेकिन तुमने मुझे जाना है और तब तुम लोग पार हुए हैं, ये समझ के रखो कि जरा सा भी तुमने इधर उधर कदम डगमगाया, वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाते, तब तुम कहते माता जी अगर ये ऑल परवेडिंग है तो वाइब्रेशन कैसे छूट जाते। ऑल परवेडिंग में भी कहां से वाइब्रेशन जाते हैं सोचना पड़ता। आप लोग कहीं भी रहे, किसी जगह भी रहे, जिस वक्त आप सहयोग के विरोध में एक अक्षर भी बात करेंगे आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाएंगे, और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में आप रहेंगे उसमें भूत आपका साथ देंगे, माने देने वाले। मैंने ऐसे भी लोग दिए हैं देखे जो मेरे यहाँ आते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन वाइब्रेशन लेते हैं और उनके ऊपर जब कुछ भूत बाधाएं चल जाती हैं तो वो भूत बाधा का काम करेगा, उनका ढंग और हो जाता है, उनका तरीका और हो जाता है, उनका बताना और होता है। फिर वो कुंडलिनी नहीं देखते हैं, वो ये बताते कि घोड़े का नंबर कौन सा है, तेरे बाप को क्या हो गया, तेरी माँ को क्या होगा, असलियत पे नहीं आते। ऐसे अनेक लोग हमारे इस सहयोग में आए और बिछड़ गए, थोड़े दिन रहे बिछुड़ गए, फिर उन्होंने थोड़े दिन काम वाम किया इस तरह का, बड़े अपने को साधु गुरु महात्मा समझ करके काम किया, और उसके बाद देखा ये गया कि उनके ऊपर बाधाएं जम गई और वो बहुत ही उत्साह और तकलीफ में फंस। इसलिए एक बात आप जान लीजिए कि सहयोग के विरोध में बात करने से मैं चाहे आपको माफ कर दूं, लेकिन परमपिता परमात्मा आपको कभी नहीं माफ। हमारे घर में मेरी अपनी लड़की का मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन जरा सी गुस्सा हो गई मेरे ऊपर में, फौरन उसके कान में से गरम गरम हवा निकलने लगी। उसे मैंने कहा तुम कान अपने रगड़ लो और कहो कि माफ कर दो, मुझसे ऐसी बात कहना गलत है। सहजयोग के विरोध में तुमने अगर एक अक्षर कहा, हालांकि तुम मेरी अपनी लड़की हो तो भी तुम्हें अधिकार, ये सबसे बड़ी अनधिकार चीज है। जो मैं आपके सामने आज खड़ी हूं या आप लोगों के संत, आप लोगों के बुलाने का फल है। ऐसे भी देखिए कि मंदिरों में और मस्जिदों में और जहां जहां भक्त लोग माँ को पुकारते हैं तो माँ का हृदय उछलने लग जाता है। आपने देखा है कि जब कभी आप कुछ गाना जरा सा भी गाते हैं मेरे सारे बदन से अनगिनत वाइब्रेशन बहने लग जाते हैं। अगर कहीं पर भी मैं ऐसा अगर गाना भी सुन लूँ या रिकॉर्ड सुन लूँ या सिनेमा में ऐसा दिखाई दे जहाँ माँ को पुकारा जा रहा है, मेरे सारे बदन से करोड़ों रश्मियाँ जैसे वाइब्रेशन से चले। यह आपने भी जाना होगा, आपने भी देखा हुआ, इस चीज को आप भी समझते हैं कि ऐसा माँ को। आज वो समय आ गया है कि जब आप ही का मांगना, आप ही की चाहत, आप ही लोगों की पुकार साकार मेरे अंदर हो जाए। मैं स्वयं से नहीं आई हूँ, मैं आप ही के पुकार से आई हूँ। आपके अनाधिकाल से जो पुकार और चिल्लाहट हो रही थी उसी के कारण मैंने शरीर की धारणा, और अब भी आप ही लोग सर्वसाधारण जन है, मुझे पहले पहचानेंगे और ये जो बड़े बड़े साधु संत और बाबा जी बन के बैठे हैं ये पहचानेंगे नहीं। जैसे इन्होंने न सीता को पहचाना था, न राधा को पहचाना था, न मेरी को पहचाना, और अब भी ये लोग नहीं पहचान सकते, ये अभी अपने घमंड में बड़े बाबा जी बन के बैठे हैं। जो इंसान अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है उसको बाप क्यों पहचाने। सहयोग को खिलवाड़ नहीं समझना,
सहयोग को एक साधारण चीज नहीं समझनी चाहिए। ये बड़ी अनुपम अजीब थी, अजीब गरीब की लाइफ है। आपको कभी किसी किताब में ऐसा लिखा मिला गया क्या कि ये आपका चक्र अगर पकड़ जाता है तो ये विशुद्धि चक्र? क्या आपको कहीं पता हुआ कि ये नाभि चक्र होता है और ये सहस्त्रार होता है? आपसे कभी भी किसी ने ये बातें बताई है क्या? आपको कुंडलिनी के बारे में किसी ने भी इतने खुल्लम खुला कोई बात बताई है क्या और दिखाई है? किसी ने भी इस तरह से संसार में आज तक हमने ही पहले कभी भी नहीं कार्य किया जैसे आज? लेकिन आप लोगों का आधा अधूरापन इसको खत्म कर दे। आप जो लेने आए हैं वो बहुत बड़ी चीज, बहुत ही बड़ी चीज है। उसका अंदाज ही आज आपको नहीं है कि एक दिन आएगा, चाहे मेरे ही आंख के सामने आ जाए चाहे बाद में आ जाए, जब संसार में ये पता हो जाएगा कि हम लोग अब एक नए आयाम में, डायमेंशन में उतर गए। लेकिन आप लोगों का आधा अधूरापन हो सकता है कि संहार की गति शीघ्र कर। धर्म का चक्र उल्टा घूम रहा है ये आप जानते हैं और वो दिखाई दे, उसको सीधा घुमाने का कार्य सिर्फ सहयोग से हो सकता है। लेकिन जो लोग सहयोग में आ रहे हैं उनको अत्यंत धार्मिक, अत्यंत सच्ची और अत्यंत उदार चित्त होना पड़ता। धर्म की पूर्ण व्याख्याएं उनको सीखी, सिर्फ वाइब्रेशन से नहीं होता है। बहुत से लोग मेरे सामने आते हैं तो बड़े जोर जोर से वाइब्रेशन उनके अंदर पहुंचते हैं और जब बाहर चले जाते हैं उनसे नहीं। ऐसे तो हर जगह आना चाहिए आपको। ऐसी कौन सी जगह है जहां हम नहीं? हर जगह ये वाइब्रेशन आपके आने चाहिए और इतने बलवत्तर होने चाहिए कि किसी भी प्रकार के काले वाइब्रेशन इससे ऊपर नहीं, क्योंकि आप जीवंत हैं। अभी हम रांजनगांव के गणपति के पास गए थे, वहां हमने देखा रांजनगांव के गणपति को। उस गणपति में से बहुत थोड़े थोड़े वाइब्रेशन आ रहे थे और जो लोग हमारे साथ थे वो इतने आश्चर्य में हो गए कि जागरूक स्थान करें तो इसमें वाइब्रेशन से इतने कम आ रहे हैं। मैंने कहा पहले तो ये बात सोचो तुम कि इसको पहचाना किसने कि जागरूक स्थान, ये मनुष्य की किमिया है कि उसने पहचाना कि जागरूक स्थान है? वो कोई ना कोई बड़ा भारी साधु संत रहा होगा जिसने वहां वाइब्रेशन देखे होंगे और कहा होगा कि जागरूक स्थान। फिर जब वो जागरूक पत्थर लाया गया, हो सकता है किसी ने उसमें शेप देने के लिए थोड़ा बहुत हाथ छुड़ाया हो सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मनुष्य की अकल ऐसी अपनी जैसे दौड़ती है ना, उसको छूने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद में उसके अंदर जो पुजारी हमने देखे उनके सबके चक्र पकड़ लिए, वो जितने भी पुजारी हैं उनके चक्र पकड़े हुए हैं और उस पर जो सिंदूर चढ़ाया था और उस पर जो बेरू चढ़ाया था वो सब पकड़ा। मनुष्य को इतनी अकल जरूर है कि ये जागरूक स्थान है, लेकिन इसकी अकल नहीं है कि अब भी इसमें से वाइब्रेशन पूरे आ रहे हैं कि आधे आ रहे हैं कि कौन से वाइब्रेशन आ रहे हैं। तीन चक्र उस मूर्ति के भी पकड़े हुए और मेरे समझ में नहीं आया। जब मैं जाकर अंदर में बैठी मंदिर में तो पंडित जी कहने लगे कि आप अंदर नहीं बैठ सकते, आप बाहर बैठे और उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो मैंने सोचा अगर इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते तो इसको हम क्या कर सकेंगे, तो मूर्ति ऐसी रह जाएगी। तो पीछे से गए, पीछे से जा करके उस मूर्ति की ओर हमने देखा और जा करके उसने अपना सर सहस्त्रारी जा करके लगा दिया तो उसके से अंदर से इतनी जोर से वाइब्रेशन निकला। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि आप जीवंत हैं, आपके अंदर तो कहीं अधिक इन मंदिरों में से भी वाइब्रेशन आ सकते हैं, लेकिन आप पहले जीवंत रहिए। मरी हुई चीजों का जो जो लोग शौक करते हैं, मरी हुई बातों का जो जो शौक करते हैं, वो लोग मर जाते हैं, जिंदा होते हुए भी मर जाते हैं। जड़ वस्तुओं के पीछे में भागना एक इस तरह का शौक है, उसकी ओर भागना या उससे भागना दोनों एक। संन्यास भी लेना वही चीज है और संन्यास से भागना वही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप अपनी स्थिति पर खड़े हो जाइए। पहली चीज है अपनी स्थिति बनाइए,
दूसरी चीज है अपना धर्म बनाएं। धर्म का मतलब है आप अपने अंदर से इन वाइब्रेशन को पूरी तरह से बहने दीजिए। आपका मन होता आप कहीं गए, आपने देखा ये आदमी गिर गया, दौड़िए उसको फौरन पकड़िए, उसको वाइब्रेशन दीजिए, बचाइए। दुनिया कहेगी कहने, आपके अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं, यही आपका धर्म है। मैंने आपसे बताया था सोने का धर्म ये नहीं कि वो पीला है, उसका धर्म वो भी नहीं कि उससे कुछ जेवर बन जाता है, उसका धर्म एक ही है कि वो किसी चीज से खराब नहीं होता। इसी तरह से हीरे का एक धर्म है कि वो हर चीज को काट सकता है, वो हार्डेस्ट। इसी प्रकार मनुष्य का एक धर्म होता है कि उस परमात्मा को पा लेना और जान लेना, और जो मनुष्य से पा लिया है उसका ये ही धर्म होता है कि इस पाई हुई चीज को पूरी तरह से आत्मसात करके संसार में उसको प्रसारण। लेकिन इधर उधर की बातें और वही जड़ता के तरीके, उससे आप बिल्कुल भी न तो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, आपके वाइब्रेशन खो जाएंगे और मेरी जितनी भी मेहनत है सब बेकार। कोई भी धर्म संसार में ऐसा नहीं है जिसने वाइब्रेशन की बात की। माने असली धर्म, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि वाइब्रेशन नहीं होते हैं। हर एक जगह इसे रूह कहते हैं, इसे वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन हर जगह इसका कहा है वाइब्रेशन होते हैं। और हिंदू धर्म में तो साक्षात आप जानते हैं कि इसी पर न जाने कितनी विवेचना की गई है आदि शंकराचार्य ने भी। इसको कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, लिखाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, ये होना होता है। बहुत से लोगों को होता नहीं, जो बहुत पढ़े लिखे अपने को विद्वान समझते हैं, ऐसे महामूर्खों को कुछ नहीं होता। मैं क्या करूं, ये तो अपने आप से अकस्मात आपकी इनोसेंस में ही होता है। बहुत लोगों को हो जाता है, हजारों को होता है, और आपको भी होना चाहिए। लेकिन बेकार की झूठी बातों को अगर आप पकड़ के रहिएगा, अगर आप झूठी बातें करिएगा और झूठी बातों पे ही आप पूरी तरह से जमे रहिएगा, तो आपको जड़ बना रही है, तो इस जड़ता से आप भी तो जड़ ही हो जाएंगे। जो चैतन्य आपके अंदर से बह रहा है उसको आप कैसे किस प्रकार प्रसारित कर पाए। थोड़ा बहुत समय इसके लिए देना पड़ेगा, ऐसा मैं पहले कहती थी, ये बात सही है। लेकिन ये प्रायोरिटी चीज है, आपकी प्रायोरिटीज बदलनी पड़े। थोड़े दिन में आप इस प्रायोरिटी में जब आ जाएंगे तो इसका मजा आप पाएंगे। सारे संसार के जितना सुख और मजा है, सारे संसार का जितना आकर्षण और सौंदर्य है, सारे संसार का जितना भी धन दौलत लक्ष्मी सब कुछ जो भी है, जो कुछ भी जिसे आप नॉलेज कहते हैं, जिसे आप ज्ञान करके समझते हैं, सबका स्रोत यह है। ये जानता भी है, प्यार भी करता है और सौंदर्य, यही वो शक्ति है जिसके बारे में हमने हजारों बार पढ़ा है और हजारों बार इसके बारे में हमने जाना है। इसी शक्ति के सहारे सारी सृष्टि की रचना हुई है, आपकी रचना हुई है, और इसी के द्वारे आप भी उसको जानेंगे जो ये शक्ति। एक बहुत बड़ी बात है, वो धीरे धीरे फैलना चाहिए। इतनी बड़ी बात जल्दी नहीं फैल सकती, कोई ऐसी भी जीवन चीज है धीरे धीरे पनपती। लेकिन मैं देखती हूँ जड़ जम गई है, इसकी जड़ बहुत गहरी जम गई। अभी मैं राहुरी से होके आई हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने इसे बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव कर दिया, अपने पौधों पर इस पर उस पर एक्सपेरिमेंट करके एकदम साइंटिफिक चीज बना ली है। और वो कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट से भी इसके लिए लड़ेंगे कि यही चीज सत्य है और बाकी सारे जितने भी असत्य है उसका नाम सत्य देने से वो सत्य नहीं है। आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी शक्ति उस शक्ति से एकाकार हो जा रही है जो आपके अंदर बसी है। जैसे कि यमुना में बहुत से मटके रहते थे और उन मटकों में पानी रहता था, जब उन मटकों में छेद हो जाता था
तभी वो पानी और मटकों का पानी एकाकार हो जाता है। उसी तरह से आपका भी हाल होना चाहिए, आप भी उसको उसी तरह से जाने और पाए जैसे गोपी और गोप कृष्ण के जमाने में खोज रहे थे और जानने के प्रयत्न में थे। आज आपको वो चीज पूरी तरह से मिल गई। मैंने आपसे अनेक बार बताया है कि मैं गोप्य से गोपनीय, इसकी जितनी भी गहराई की बातें हैं सब आपको बताने ही के लिए आई हूँ, लेकिन उसके अधिकारी हूँ। जिनका अधिकार नहीं है उनको ये बात नहीं बता सकती थी, इसीलिए जो बात आज मैंने सर्वप्रथम कही है इससे पहले कभी भी इसे खोल कर कही। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।